प्रिय श्रोताओं, आपका हमारे चैनल सनातन संस्कृति सुभाष में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं शिव महापुराण कथा के तीसरे अध्याय की कथा, जिसका शीर्षक है चंचुला का पाप से भय और यम यातना के बारे में जानकर संसार से वैराग्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम नमः शिवाय। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अथ अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर, वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहां के द्विज ऐसे हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। कामवासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परपुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी।
मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुहक को कैसे सह सकती हूँ? सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुहक भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभो, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से उत्प्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी? दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया
और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिवपुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा बस यहीं तक, जल्द ही मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ। कृपया हमारा सहयोग देने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कथा के अगले भाग को सबसे पहले सुनने और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।